हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत करता हूँ एक और मस्त से व्लॉग में। मूड तो नहीं कर रहा था बनाने का, पर चलो बना ही लेते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ अपना व्लॉग। हम 2 दिन से मैंने बनाया नहीं, शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। अभी मूड बन गया, मैं सोचा चलो बना लेते हैं थोड़ा। अभी 2 दिन से हम इधर ही है रामबन में, क्योंकि इधर भी पसी हो गई है, उधर भी पसी, कैप्टेरिया एरिया में भी पसी, पीछे डलवास में भी पसी। तो हम फंसे हैं सेंटर में। तीनों गाड़ियाँ अपनी है और भी है, 4-5 गाड़ियाँ और छोटी गाड़ियाँ भी लगी है, 7-8। फुल पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे, एक बार आपको ये दिखाता चेक हूँ। करो भाई, जनादिया गड्डी आते, रेड बत्तियाँ, एक बार चेक करो भाई, पूरी गाड़ियाँ लगी हुई है इधर इधर इधर। कुछ और भी है, ये पवन उस्ताद की गाड़ी, पवन उस्ताद भी सोए हैं, वो साथ में असलम उस्ताद वाली गाड़ी, वो कुछ कर रहे हैं। रात को बनाया था हमने चिकन, मुर्गा शुर्गा बनाया था, रात को खाया, दोपहर को भी फिर मीट बनाया, फिर खाया। तो अभी हम देखते हैं क्या आलू बनाएंगे शाम के लिए, आलू सब्जी वगैरह देखते हैं कुछ भी। तो फिर करते हैं प्रोग्राम आगे का रास्ता, क्योंकि इधर बारिश फिर से होने लगी। थोड़ी बहुत तो सुबह के टाइम पे धूप निकली थी, अभी फिर बारिश होने लगी। तो अब क्या कर सकते हैं यार भाई, बैठे हैं इधर लेटे लेटे, बना रहे खा रहे हैं, लेकिन बोर भी हो रहे हैं भाई साथ साथ में। आज तो थोड़े मज़े भी ले रहे हैं, क्योंकि 3 गाड़ियाँ इकट्ठी है और 3 बंदे गपशप भी मार रहे हैं शीशे खोल के, क्योंकि लाइन पे लगाई है। इसीलिए आपको दिखाता हूँ एक ये बार, देखो, ये वाली बीच में लगाई है, वो उधर गप लगा रहा है, उधर से बारो बार वो इधर गप लगा रहे हैं हम साथ में। अभी बारिश होने लगी, शीशे किए बंद। तो अभी सोचा थोड़ी देर सो जाएंगे, साथ बोल रहे हैं नींद नहीं आ रही है, तो तब तक वो पटाटो के वो आलू छील लेंगे, तो रात की सब्जी के लिए बनाएंगे आलू टमाटर वगैरह। देखते हैं बीच में और क्या डालते हैं, आपको दिखाएंगे जब खाएंगे। तो अभी फिलहाल सोने की करेंगे हम तैयारी, और तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों रोड खुलने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश फिर लग गई। अब फिर से मुश्किल ही लग रहा है कि मुश्किल ही खुलेगा, तो जब खुलेगा आपको दिखाएंगे तब। तो भाई अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट अंडे लाने के लिए, क्योंकि अंडे ना देसी चाय बना रहे थे, तो बोल रहे हैं बॉयल करके अंडे खाने हैं असलम उस्ताद, और क्यों वो बड़े यार, इनसे छोटा मैं ही हूँ, तो सामान सामान लाने मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो तो बोलते हैं हम जाएंगे, लेकिन मैं जाने नहीं देता क्योंकि मैं छोटा हूँ। खाना शाना वही बनाते हैं, मैं खाली सामान सामान लाता हूँ। अभी वो अपनी गाड़ी लगी है उधर पीछे, तो मार्केट जा रहा हूँ मैं, कोई आधा किलोमीटर आगे है, थोड़ा सामान लाएंगे, तो फिर करते हैं खाने शाने का प्रोग्राम। अभी सामान लेके हम पहुँचे वापस अपनी गाड़ियों के पास, मैंने सामान दे दिया उनको। वो चेक करो, पीछे 3 गाड़ियाँ अपनी लाइन में खड़ी है, पीछे मेरे पीछे डैम्पर भी है और भी एक पंजाब की गाड़ी। अभी ना इधर हो गई है थोड़ी धूप, तो मज़ा आ रहा है यार बाहर का नज़ारा देखने का, आपको दिखाता हूँ एक बार। चेक करो भाई, ये है गोल संगलदान वाला रोड सामने जो दिखाई दे रहा है, और ये है अपना रामबन वाला, श्रीनगर वाला NH 44। इधर उधर भी हुई है पसी, इधर नाले में भी हुई है, और इसके पार कैप्टेरिया एरिया है वहाँ भी हुई है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हुई है, खुलने की कोई चांस ही नहीं। अभी ये नदी के पास में हम, चेक करो एक बार, इस साइड थोड़ी थोड़ी धूप है, इस साइड बारिश हो रही है, ये देखो। ये वाली लोकेशन पे लगाई है हमने गाड़ियाँ, क्योंकि इधर थोड़ी पार्किंग वाला है ये एरिया। चेक करो एक बार, बस थोड़ी सी गाड़ियाँ रुकी है उधर, बाकी पीछे रुक गई है उधमपुर में वगैरह वगैरह जगह जगहों में, हम इधर फंस गए। तो अभी बज चुके हैं 4:15 हो रहे हैं, अभी तक सोए थे हम, जैसे नींद से बाहर देखा थोड़ी थोड़ी धूप, और जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो धूप ख़त्म हो जाती है यार देखते देखते एक सेकेंड में। एक बार हमारी गाड़ी तो रस्सा तरपाल तो होके, बारिश बुरिश हो रही है बहुत, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी 10-10 मिनट के बाद। तो अभी आपको दिखाता हूँ मेरे मित्र, मेरे दोस्त क्या क्या कर रहे हैं अभी।
आगे देखते हैं। नहीं ले, लेना कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? इसने ना सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के ये खाली मूवी लगा लेता है, आगे पता नहीं कितना डाटा होता है इसके पास, फुल मूवी देखता रहता है पूरे दिन, कोई काम शाम नहीं, बेले हैं भाई, क्या करना। बेले बैठे हैं, रोटी बाटी खाया, अभी मूवी वाला टाइम चल रहा है, मूवी वाला टाइम चल रहा है। अभी असलम उस्ताद को देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। पवन उस्ताद तो मूवी देख रहे हैं, असलम उस्ताद का पता नहीं, अभी एक बार असलम उस्ताद का चेक करते हैं। असलम उस्ताद क्या कर रहे हो? वो असलम उस्ताद कोई काम कर रहा है। तेरी है। क्या बन रहा है? सब्जी का प्रोग्राम। क्या चीज बनेगा आज? अंडे और आलू। अंडा आलू बनेगा। इसने पूरा प्याज शाज काट के रखे है असलम उस्ताद ने, अंडे और आलू भी बॉयल है सारा कुछ, सब कुछ बॉयल। बढ़िया से चल रहा है प्रोग्राम है। हमें भी बताना था कोई काम, हम लेटे थे अभी तक। चेक करो एक बार। तो भाई 5 बजे चाय पी के मैं गया था सो, अभी उठाया असलम उस्ताद ने और पवन उस्ताद ने, खाना शाना फुल पावर रेडी, मुझे पता ही नहीं था। ये देखो चिकन बनाया हुआ है, आलू है, अंडे है, सारा सिस्टम तकड़ा है, फुल के नहीं है भाई, ऐसा लग रहा था ना ये वाला फुल के फुल का नहीं है भाई। ये असलम उस्ताद खा रहे अभी खाना। रेसिपी कितनी मस्त दिख रही है भाई, खा के टेस्ट करते हैं, मस्त है नहीं है। खाना शाना हो गया आज का अपना फुल कंप्लीट, तो अभी आया मैं अपनी गाड़ी में, मैं सोचा चलो आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, क्यों छोटा छोटा ही व्लॉग ना डालेंगे आज के बाद, वो ठीक रहेगा। ऐसा मेरा जाता है 15-18 मिनट का, तो सोचा 7-8 मिनट में हम अपने व्लॉग को कर दिया करेंगे आज से एंड, तो कोशिश रखेंगे इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग करने की। अभी तो फिलहाल व्यू भी नहीं आ रहे, 150 बस 100 नहीं टप रहे आज, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।